हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर। दिस इज अनुज खई। T20 वर्ल्ड कप को लेके इस वक्त एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जी हाँ, इंडिया को जो है होस्टिंग राइट्स को लेके लगातार स्पेकुलेशंस बनी हुई हैं, लेकिन इस बीच यूएई का भी नाम हमको देखने को मिला था। लेकिन अब जो है एक बड़ा डेवलपमेंट हम ये कह सकते हैं कि ओमान का भी इसके अंदर नाम जुड़ रहा है। जी हाँ, ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है जो कि भारतीय फैंस के लिए थोड़ा बहुत झटका है कि भारत में जो पॉसिबिलिटी थी एक तरीके से इस टूर्नामेंट को लेके, अब थोड़ी और जो है वो कम हो चुकी है। और अब आप जो है यूएई में, जैसे कि दुबई, शारजहाँ और हम जो है बात करते हैं अबू धाबी की, उसके अलावा एक चौथा वेन्यू के तौर पे ओमान का जिक्र हो रहा है, जिसको लेके ऑफिशियल जो है आईसीसी की तरफ से इस वक्त अपडेट आ रहा है। तो ऐसे में बीसीसीआई, जिसको आप ये कह सकते हैं कि आईसीसी ने 28 जून तक का वक्त दिया था, अब उसको लेके और आप ये कह सकते हैं कि इसमें बड़ा डेवलपमेंट ये है, क्योंकि अब ये जो चीज़ें हैं ये साफ दिखाती हैं कि इंडिया में जो है जाहिर सी बात है अब मोहर लग सकती है कुछ दिन बाद कि ये टूर्नामेंट जो है भारत में नहीं ऑर्गेनाइज होगा। इस टूर्नामेंट को जो है अब आप यूएई में होता हुआ देखेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं बीसीसीआई को थोड़ा बहुत झटका देती है, क्योंकि वेन्यूज़ को लेकर 9 वेन्यूज़ टोटल बीसीसीआई ने आईसीसी को दिए थे कि भारत में जो है इस तरीके से इन वेन्यूज़ पर जो है मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन अब कुछ इस तरीके से चीज़ें सामने आ रही है कि ओमान को अगर होस्टिंग का मौका मिलता है तो ऐसे में टोटल 4 वेन्यूज़ जो हैं वो आपको वर्ल्ड कप में होते हुए मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि होस्टिंग राइट्स जो हैं वो भारत के पास रहेंगे, यानी कि मैचेस जो है यूएई में खेले जाएंगे या ओमान में खेले जाएंगे, लेकिन जो होस्टिंग राइट्स हैं उसमें जो है बीसीसीआई यानी भारत का नाम रहेगा। तो ये इस वक्त का सबसे बड़ी अपडेट मैं कहूँगा। इसके आगे जो भी डेवलपमेंट्स आएंगे हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए थोड़ा बहुत झटका ये है कि भारत में शायद आपको इस साल वर्ल्ड कप होता हुआ ना दिखे। सबसे बड़ा फैक्टर ऑब्वियसली बात है कि आप ये देख सकते हैं कि कोविड का है, लेकिन जैसे जैसे भारत में केसेस कम हो रहे हैं, उम्मीद तो यही है कि आने वाले वक्त में भी अगर केसेस कम ही रहते हैं तो शायद आप वर्ल्ड कप होता हुआ देख सकते थे। लेकिन जो इस वक्त बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है उसके हिसाब से एक थर्ड वेव को लेकर भी जिक्र हो रहा है कि सितंबर अक्टूबर में शायद आपको जो है कोविड का वेव भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो बाहर कराया जा रहा है, यानी यूएई और ओमान में होता हुआ आप देख सकते हैं। तो ये बड़ा अपडेट है, आगे की सारी अपडेट जो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए स्पोर्ट्स टाइगर।